को बोल यार, मेरे को पीछे से कोई आप बताइए। Hi guys, this is Ramya and Chinnu and welcome back to my channel. तो आज का वीडियो होने वाला है स्पिन द व्हील चैलेंज, दैट इज द हॉरर एडिशन। कुछ चिट्स लगा दिए जिसमें एक आधे आपके दिए हुए डेयर और कुछ हमने ऐसे ही रैंडमली डाल दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को 25,000 लाइक तक पहुंचा देना अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो। एंड साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना, न्यू वीडियोस पोस्ट करते हैं एवरी वीक विद चार दर्जन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे शाम 2 PM। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी बच गई है 3, एक बार एक करते रहेंगे, स्पिन करते रहेंगे, लेट्स गो। सो इसको घुमाया जाए और देखते हैं क्या आता है। 3 तो ये चिट में है कॉल हॉन्टेड नंबर, और अभी मैंने रिसेंटली हॉन्टेड नंबर्स को कॉल किया था, कोई भी नहीं लगे थे अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें सब लोग ने बोला था कि एसटीडी कॉल्स लगानी है, तो जो आईएसडी कोड्स आते हैं वो भी लगाना, तो इस बार लगा के करते हैं। वो वाला नंबर है जो हम मिलाने वाले हैं, वो नंबर है जिसमें मैंने पिछली बार भी कॉल किया था बट विदाउट द कोड किया था, और उस कोड के हिसाब से उसमें यही था कि उसमें किसी ऐसे इंसान का जो मर चुका है ऑलरेडी उसको फ़ोन लगता है जो कोई ना ऐसी मतलब लैंग्वेज में बात करेगा जो कि बाइनरी कोडिंग होगी, का मतलब होता है डेथ। 001 इज द कोड। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ओह माय गॉड, अगर आपको पार्ट टू चाहिए हो ना हॉन्टेड नंबर से, जिसके साथ हम कोड्स भी लगाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई विल डू इट। इसमें हम लोग सारे नंबर्स ट्राई करेंगे जितने भी हैं, पर इस वीडियो को 35,000 लाइक्स तक क्विकली पहुंचा देना। उमा उंगली रख, मेरे को नहीं करना पड़ रहा, दिस इज चार्ली चार्ली गेम। ओके गाइस, हमने खूब सारी पेंसिल ढूंढी, पर हमारे पास अपेरेंटली पेंसिल सिर्फ एक ही है घर में, पूरे घर में। तो हमने सोचा कि पेंसिल करेंगे और कुछ हुआ नहीं तो आप लोग हमें मारोगे, तो इसलिए हम चार्ली चार्ली का कोई फ़ोन गेम है वो खेल रहे हैं, और वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरे फ़ोन में। चार्ली चार्ली आर यू देयर, वो उससे पहले घूमने लग गया था क्या पेंसिल? नो बीच, शिट शिट, रुकना मत। यस आया चार्ली चार्ली आर यू देयर, नो 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 नॉट अगेन, नो आया। अच्छा नहीं, शिट वापस ऐसा है। चार्ली क्या मेरा नाम चिन्नू है? चार्ली चार्ली बोलना पड़ता है। यस आया है। कुछ ऐसा पूछ जो नहीं है, तो उसमें देखो नो बोलता नहीं बोलता, जैसे क्या मैं 18 साल की हूँ? चार्ली क्या मैं 18 साल की हूँ? क्या मैं अभी खड़ी हूँ? ये चीज़ नहीं गेस कर पाएगा, क्योंकि गेम कई बार आपका डेटा ले सकता है और उसके हिसाब से आपको आंसर दे सकता है। तो कुछ पर्सनल की जगह ये बता कि मैं खड़ी हूँ क्या। चार्ली चार्ली बोलना। चार्ली चार्ली क्या मैं अभी खड़ी हूँ? नो 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 वे नो वे, चिन्नू बंद कर दे। चार्ली चार्ली गुड बाय, डोंट टेल मी ये नो बोलने वाला है। नो 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 नो, ओह माय गॉड, मेरे बाप रे, मेरे को
यस है ना? यस है ना? यस है, ओके ओके बंद कर दे यार। बाकी सब मुझे समझ में आता है, खड़ी है तू, ये कैसे वो गैस कर सकता है? ओ ओके, मेरी बारी है। सारा सरिता गेम, बट थैंकफुली ये दो जनों का गेम है। ठीक है, सारा सरिता गेम ये है कि आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो, है ना? दो कॉइन्स चाहिए होते हैं, यू हैव टू सिट फेसिंग ईच अदर एंड ईच ऑफ यू विद अ कॉइन इन योर हैंड आस्क टुगेदर सारा सरिता मे वी जॉइन योर गेम देन टॉस योर कॉइन इफ यू बोथ गेट हेड्स इफ इट्स अ येस अगर इफ यू गेट टू टेल्स मींस नो ठीक है अगर ऑपोजिट आ रहे हैं तो मतलब मे बी यू नीड टू आस्क अगेन क्वेश्चंस यू हैव व्हेन यू आर प्लेइंग यू नीड टू एग्जिट द गेम फ्लिप योर कॉइन अगेन सारा सरिता कैन वी जॉइन योर गेम टेल्स नो No, no. और ये हमने दो बार किया, एक बार हमारा कैमरा कट गया था और ये दूसरी बार किया और दोनों बार नो आया, देखना कोइंसिडेंटली दोनों तो नहीं। ओके सो दे डोंट वांट अस टू जॉइन। ओके हमें भी नहीं खेलना। ओके डेयर खत्म। सेज यूज अ पैरानॉर्मल डिटेक्टर जिसको ईएमएफ क्या बोलते हैं? ईएमएफ डिटेक्टर एंड रोम इन योर अपार्टमेंट फ्लोर अलोन। प्लीज कुछ आना मत, प्लीज कुछ आना मत। ओके तो ये आ गई है, क्या करके आई हो तुम? मैं ना वहाँ पे ना रास्ते में ना चलते चलते मैं प्रेयर भी चलती, कोई मत आना कोई मत आना, मेरे सामने कोई मत आना, तो इसलिए हमारा फ्लोर जो है ना वो बिल्कुल गोस्ट फ्री था। ठंड लग गई मेरे को बाहर चेक के। गुमनाम है कोई, इसमें है गो आउटसाइड होल्ड अ कैंडल एंड सिंग गुमनाम है कोई, जो कि आपने में से किसी ने दिया था डेयर। गुमनाम है कोई है वो अनजान कोई गुमनाम है कोई, यहाँ पे रोशनी बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो जो है कोई, यहाँ मेरे को यहाँ मेरे को पीछे से कोई आप बताइए। नीचे गई तब तक ठीक था, सीढ़ियों में नीचे वाली फ्लोर में डार्कनेस थी, मैं भाग गई वहाँ से, फटाफट भागती हूँ नीचे गई, फिर पीछे हमारी क्या है पार्किंग में रोशनी होती है, वैसे तो अंधेरा नहीं होता कंप्लीट, बट हमारे बगल में क्या है एक खाली सा प्लॉट है, मैं वहाँ थोड़ा आगे पीछे से और गई, आगे से जाऊँगी तो फिर गार्ड अंकल देख लेते ना, तो मैं पीछे से गई थोड़ा आगे गई घूमना में को बार दो चार बार गई हाफ वे थ्रू वहाँ पहुँची, उतने में पीछे गार्डन से आवाज़ आई मुझे, मतलब अपने गार्डन क्रॉस किया ना ट्रीज टूटने की, मैं लिटरली जान बचा के भागी, मेरे को इतना भयंकर ठंड लगी ना वहाँ पे जब वो आवाज आई, बाप रे, मैंने अपना डेयर फिनिश किया तेरी भाई। फ्री पास।
go to the elevator alone to the flare floor where no one lives. Lift. मैं आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ 9th floor पे, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता. मेरे पसीने छूट रहे हैं. लिफ्ट इतनी बुरी आवाज़ करता है बहन रात को. मेरा बस मिनी हार्ट अटैक होने वाला था. और पता है लास्ट फ्लोर का दरवाज़ा खुला कैसे? मैं लिटरली हिली भी नहीं. मैं थोड़ी देर ओपन रखा और उसको फटाफट बंद कर दिया. और मैंने सबसे पहले गलती से 0 दबा दिया, फिर अपना फ्लोर दबाया. ओह माय गॉड. चलो मेरा प्ले हॉरर गेम अलोन विद लाइट्स. ओके गाइस, तो चिन्नू महारानी का गेम जिसने खेला करीबन ऑलमोस्ट 16 से 18 मिनट, बट अपेरेंटली जो 3 मिनट में भूत आ जाना चाहिए था वो नहीं आया. उसको मैं बहुत अच्छी लगी थी, वो आना ही नहीं चाहता था. वो इससे डर गया एक्चुअली. हैपेंड तो हमने सोचा है कि इसको एक दूसरा डेयर दिया जाए, तो मैंने सोचा है कि एक और हॉन्टेड नंबर मिलाया जाए. स्टोरी ऐसी है कि इस जो ये अपेरेंटली जो हम ये नंबर मिलाने वाले, एक वो एक डेड मैन है, उसका नंबर है. और वो एक टाइम पे एक दिन जो सेलिंग करने निकलते हैं शिप लेके, को एक ट्रेजर मैप मिलता है जो कि उसके लेट ग्रैंड फादर ने कहीं पे रखा हुआ था. वहाँ पे उसको एक ट्रेजर मैप मिलता है, तो वो अपने फैमिली को बिना बताए सेल करके निकल जाता है. उसको सही टाइम लगता है, उसको लगता है कि चलो कुछ ना कुछ लॉटरी मिलेगी, तो वो निकल जाता है. बट आफ्टर डेज एंड डेज उसका कोई आता पता नहीं होता, उसका कोई वापस कॉल नहीं आता. बट एक हफ्ते बाद उसकी मम्मी के पास एक फ़ोन कॉल आता है और उसमें अपेरेंटली कोई एक आदमी रो रहा है. उसके बाद एक हफ्ते और कुछ टाइम बाद उसका जो शिप था वो वापस ऑफ द शोर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है. बट उसमें वो आदमी नहीं है, पर अभी भी वहाँ पे फ़ोन लगा हुआ, तो फ़ोन कोई उठाता है. बट सेल फोन प्रोवाइडर्स जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि किसी भी हाल में लाइन कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस या जहाँ पे भी होगा फ़ोन कनेक्ट होने के चांस ही नहीं है. बट अपेरेंटली इट डज. सो लेट्स सी. 0019784350163. Oh my goodness. Scary. ठंड लग रही है ना? तो आज का शार्ट आउट जाता है अंजलि कोरपे, सर्जिना परबिन, रिचा शर्मा एंड अश्विना मैथ्यू को. थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग माय नोटिफिकेशन स्क्वाड मेंबर. अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में नोटिफिकेशन शार्ट आउट चाहिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज कमेंट डाउन बिलो कि आज का आपका फेवरेट डेयर कौन सा था, एंड साथ ही साथ यूज हैशटैग नोटिफिकेशन स्क्वाड. दैट्स इट. सो या गाइस, दैट वाज इट. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को 25,000 लाइक्स तक पहुंचाना. अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए हो और भी खतरनाक डेयर्स आप चाहते हैं कि मैं हम करें, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना. And now we will see you guys in our next video. Bye guys. Pehle bye kar de.